आर्म्स लेकर लोग आते हैं। अभी कुछ डेज में आपने देखा होगा GTV में एक आर्म लेकर उन्होंने गलत मरीज की जान ले ली। अगर हम सुरक्षित हैं तो हम आगे भी काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें सुरक्षित नहीं है तो हमें भी आगे जाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें नाइट में शिफ्ट करना, डे शिफ्ट भी करना है, तो फिर हमें भी तो सपोर्ट चाहिए ना। निश्चित रूप से मैं उन्होंने लापरवाही बताई इंस्टीट्यूशन की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने RG कार मैनेजमेंट प्रिंसिपल की और वहाँ की लोकल सरकार की, ममता सरकार की। कोलकाता में हुए जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म और उसके बाद हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 10 अहम मुद्दों पर बातचीत किया है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर, किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कितना ये जघन्य अपराध आप देखते हैं? पहले तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इसके सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और जो एक व्यवस्थागत मुद्दे थे और इस केस से संबंधित मुद्दे थे उनको उठाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है और इंस्टीट्यूशनल फेलियर इस केस में भी है और हमें आगे आने वाले समय में इसमें कैसे प्रिवेंट करें उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात किया। इस केस के बारे में बात करें तो लेट FIR हुई, जो प्रिंसिपल थे उनकी जिम्मेदारी भी इसमें तय की जा रही है। उसके बाद 7000 लोग कैसे उसके अंदर घुस गए हॉस्पिटल के अंदर और सारे के सारे सबूत मिटा गए, ये वहाँ की सरकारी व्यवस्था की नाकामी रही। दूसरा पार्ट ये है कि अब आगे क्या हो कि उसको भी न्याय मिले और आगे होने में ये समस्याएं ना आए। तो इसके लिए उन्होंने देखिए उस हॉस्पिटल में 700 स्टूडेंट्स रहते थे हॉस्टल में, तो CISF को के हवाले सिक्योरिटी कर दिया। इसके अलावा बेटर वर्किंग कंडीशंस हों उसके लिए उन्होंने कहा कि इसमें सेफ वर्क प्लेस के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके रेस्ट रूम्स की व्यवस्था हो और उनके पास CCTV लगें। हॉस्पिटल में जो वो आ रहे हैं आपके अटेंडेंट्स, उनका चेक हो, उनके सारा मॉनिटरिंग हो। आर्म्स लेकर लोग आते हैं। अभी कुछ डेज में आपने देखा होगा GTV में एक आर्म लेकर उन्होंने गलत मरीज की जान ले ली। तो आर्म्स लेकर जो लोग आ रहे हैं उनकी फ्रिस्किंग मॉनिटरिंग हो। नंबर ऑफ जो है अटेंडेंट्स वो लिमिटेशन हो। दूसरा उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि CBI को 48 घंटे में कहा कि आप इस केस से संबंधित अपडेट कोर्ट में करें, वो परसों वो पेश करेंगी, तो उसके बाद कोर्ट उसका भी संज्ञान लेगा इस केस में। निश्चित रूप से मैं उन्होंने लापरवाही बताई इंस्टीट्यूशन की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने RG कार मैनेजमेंट प्रिंसिपल की और वहाँ की लोकल सरकार की, ममता सरकार की। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है जो एमिनेंट डॉक्टर्स हैं और साथ में उनमें हेल्थ डिपार्टमेंट के, केंद्रीय हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे और वो उन्होंने उनके लिए बिंदु भी दिए कि आप इनके वर्क प्लेस में कैसे बेहतर कंडीशंस कर सकते हैं, कैसे इनको बेहतर सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। तो इस सब बात पर वो करके 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। तो ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है, एक शुरुआती स्टेप मैं कहूँगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे आने वाले समय में इसमें क्या क्या होगा, तो उससे हमको आगे उम्मीदें बढ़ गई हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है, उसमें किस तरह दिखाई बर्बरता उस पर की गई थी, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो साफ साफ है कि उसमें गैंग रेप हुआ। आप मुझे बताओ कि मैं आप वॉल्यूम C1 इसकी बात नहीं भी करें तो एबनॉर्मल पोजीशन पे वो लेग मुड़ी हुई थी, पेल्विस मुड़ी हुई थी, यहाँ हायर टूटी हुई थी। 16-17 एक्सटर्नल इंजरी हैं, 8-9 इंटरनल इंजरी हैं। ये ब्रूटल रेप नहीं, ब्रूटल गैंग रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। तो इस पर भी, इस लीपापोती पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्होंने पूछा भाई ये लेट FIR और ये सब क्यों हुई और ये इसके बारे में भी CBI से उन्होंने अपडेट मांगा है। ठीक है, आप किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी सुनवाई हुई है, उनमें तमाम पहलुओं पर उन्होंने बातचीत की है। तो जिस तरह से नेशनल टास्क फोर्स बनाने की भी बात कही है, तो महिला डॉक्टर होने के नाते जिस तरह भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टरों को और इस तरह से बर्बरता अपना की जाती है, किस तरह देखते हैं उसको? अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ दे रही है और हमारे लिए इतने कदम उठा रही है और इतना CBI के लिए इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है, तो उस चीज़ के लिए मैं तो बहुत खुश हूँ और इस चीज़ को लेके मेरे को यही लग रहा है फ्यूचर में हम डॉक्टर्स प्रोटेक्टेड होंगे। महिला डॉक्टर के साथ इस तरह से पूरी बर्बरता की जाती है। अभी फिलहाल हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, किस तरह देखते हैं कितना सुरक्षित होना डॉक्टरों का जरूरी है? अगर हम सुरक्षित हैं तो हम आगे भी काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें सुरक्षित नहीं है तो हमें भी आगे जाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें नाइट में शिफ्ट करना, डे शिफ्ट भी करना है, तो फिर हमें भी तो सपोर्ट चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट की जो अभी सुनवाई हुई उससे कितने संतुष्ट हैं? हैं, जिस तरह अभी सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह आगे भी सपोर्ट होने तो फिर हम भी संतुष्ट होंगे। अभी तो हैं लेकिन उतना नहीं है ना। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो इस तरह से नेशनल टास्क फोर्स बनाने की जो बात कही है, 9 डॉक्टरों की टीम को बनाई गई है जिसमें जो तमाम चीजें हैं वो देखेंगे, उसको आप किस तरह देखते हो, कितना जरूरी है ये सारी चीजें? नहीं, ये तो बहुत जरूरी है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत जरूरी है। अब इसमें इस बिंदुओं पर काम होकर जो आगे आने वाले समय में जो कानून बनेंगे तो मुझे लगता है कि जिसमें क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हैं, एमिनेंट डॉक्टर्स भी शामिल हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की निर्देश पर ये बनी है, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में डॉक्टर्स की सुरक्षा, महिला सुरक्षा और वर्क प्लेस पे सुरक्षा बहुत बड़ी बात है कि महिला की सुरक्षा और अपने वर्क प्लेस पे, ये बहुत बड़ी डॉक्टर की तो अनहर्ड ऑफ है ना कि अपने अस्पताल में रेप हो जाए, ऐसा तो अनहर्ड ऑफ है। तो वहाँ पर हमको इस टास्क फोर्स से भी बहुत उम्मीद है। आगे आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से क्रियान्वयन बेहतर होता है, लेकिन मुझको इसमें बहुत सारी उम्मीद इसलिए भी है कि माननीय मोदी जी ने भी 15 अगस्त के अपने संबोधन में कहा कि महिला सुरक्षा, स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने कहा कि जहाँ भी महिला सुरक्षा की बात हो, महिला पर इस तरह के रेप या जघन्य अपराध हो, वहाँ पर स्टिंजेंट पनिशमेंट करें और फास्ट एक्शन करें, रैपिड उसमें डिसीजंस या रैपिड जस्टिस की बात करें। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी के निर्देशन मार्गदर्शन में जो सरकार केंद्र काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स बनाई केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ, ये इसके अच्छे परिणाम आने तय हैं, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, बहुत धन्यवाद संदर्भ से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सकते हैं आप।